सो लेट्स गाइस, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं रियलमी के 7 डिवाइस के अंदर आप जो है कॉल रिकॉर्डिंग फाइल्स को कैसे चेकआउट कर सकते हैं। ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं गाइस, जो है अभी जो है एंड्रॉयड 11 और 12 का अपडेट्स आ रहे हैं फ़ोनों के अंदर लोगों के, तो 11 अगर अपडेट हो जा रहा है तो उसमें आपको फाइल मैनेजर के अंदर आपको जो कॉल रिकॉर्डिंग फाइल है एक्चुअली वो शो नहीं हो रही है। और जो न्यू स्मार्टफोन्स है उसके अंदर तो फाइल मैनेजर का एक्सेस ही हटा दिया गया है, उसके अंदर आपको गूगल फाइल का ऑप्शन दे दिया गया है। तो डोंट वरी, आपके पास अगर गूगल फाइल है या फिर फाइल मैनेजर है और उसमें आपको कॉल रिकॉर्डिंग फाइल नहीं मिल रही है तो मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका बता दूंगा जिसे आप देख के ईजिली देख सकते हैं, लाइक शो कर सकते हैं कॉल रिकॉर्डिंग फाइल का। तो चलो फटाफट डेमो कर लेते हैं। यहाँ पर देखो मैं आपको एक्सेस दिखाता हूँ, मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी कॉल रिकॉर्डिंग करी हुई है। अगर आपके पास फाइल मैनेजर है ऐसे केस में ओपन कर लीजिए इसको और यहाँ पर रिकॉर्डिंग्स फोल्डर के अंदर जाएंगे। जब एंड्रॉयड 10 और 9 था तब आपको यहाँ पर रिकॉर्डिंग्स फाइल मिलती थी, अगर 11 हो चुका है तब आपको यहाँ पर ऐसे केस में नहीं मिलेगी। और तभी आप जो है हमारी वीडियोज़ पर आए हुए हैं तो आप वीडियो को देखिए, कंप्लीट चीज़ें आपको मिल जाएगी और आपको फाइल मैनेजर का एक्सेस भी आपको बता दूंगा रिकॉर्डिंग फाइल कहाँ पर होती है। इसके लिए फ़ोन डायलर को ओपन करना होगा, यहाँ पर क्लिक करिए। अब यहाँ पर मैंने 198 डायल करा हुआ है, मैंने एक नंबर से यहाँ पर डायल किया, इसकी मैं कॉल रिकॉर्ड करूँगा। इवन मैं आपको इसकी कॉल रिकॉर्डिंग्स को शो भी करके दिखाऊँगा। आप इसको यहाँ से प्रेस करेंगे 19। कर देता हूँ, फोन हैंग अप हो चुका है। अब ये कॉल रिकॉर्डिंग तो एक्चुअली सेव तो हो चुकी है, बिकॉज ये कहाँ पर गई है अगर मैं इसको दिखाऊँ तो फाइल मैनेजर के अंदर तो आई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो फाइल मैनेजर, इसको रिफ्रेश भी कर देता हूँ तो यहाँ पर नहीं आई हुई है। अगर गूगल फाइल है आपके पास तो गूगल फाइल भी ओपन करके आपको दिखाता हूँ। मैं इसलिए दोनों चीज़ों को ओपन कर रहा हूँ ताकि आपके पास कोई भी ऑप्शन दिया गया तो उनका आप यूज़ कर सकें। देखो इसमें भी नहीं आई हुई है, तो ये एक्चुअली गई कहाँ? देखो ये जब फोन को आप एंड्रॉयड 11 में कन्वर्ट कर रहे हैं, अपडेट्स आ रहे हैं, तो आपका जो डायलर है ये एक्चुअली गूगल डायलर हो रहा है, तो ये जो है इसके अंदर ही कॉल रिकॉर्डिंग एक्चुअली सेव होती है। हालांकि ओल्ड वर्जन के साथ भी सेव होती थी, बिकॉज वो फाइल मैनेजर के अंदर भी देखने को मिलती थी, तो इसमें आपको यहीं पर मिल जाती है। 198 के आगे देखेंगे तो आप एक माइक्रोफोन का ऑप्शन बना हुआ है, एक बार इसको सिंगल प्रेस करेंगे तो अभी देखो यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग्स का ऑप्शन अभी कोई नहीं शो कर रहा है हमारे पास, क्योंकि हमने इसको काफ़ी बार इसको कॉल रिकॉर्डिंग्स काफ़ी ज़्यादा कर ली है। हिस्ट्री पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। देखो अभी मैंने जो कॉल रिकॉर्डिंग करी 6 सेकंड की और 19:10 हो रहे हैं और अभी ये 19:12 हो रहे हैं हमारे फ़ोन में, कंप्लीट देख लो और यहीं से आप इसको प्ले करके देख सकते हो। हालांकि ये अभी प्ले नहीं हो रहा है, आई थिंक मे भी मैंने काफ़ी कॉल रिकॉर्डिंग्स कर ली है, थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से प्ले नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा आई डोंट नो, मैं इसको फिक्स कर लूँगा। फिलहाल आपको दिखा दे रहे हैं, यहीं पर एक कॉल रिकॉर्डिंग मिलेगी जब आप इसको ओपन करेंगे। देखो अभी आ रहा था कॉल रिकॉर्डिंग, मैंने आपको दिखाया, एक बार मैं इसको ट्राई करता हूँ अगेन, हिस्ट्री पे क्लिक करके अगेन बैक आते हैं। हाँ देखो इस तरह से जो दिखा रहा था ना कॉल रिकॉर्डिंग्स आ जाएगा आपके पास, आपको एक प्ले बटन मिलेगा, आप इसको प्ले कर लेना। एक लाउड स्पीकर वाला बटन मिलेगा कि लाउड में आपकी आवाज़ सुनाई देगी, आप उसको प्ले वहाँ से लाउड में सुन सकते हो। और आपको एक शेयर बटन भी मिलेगा, आपको शेयर वाला ऑप्शन मिलेगा, आप उसको शेयर करके इस कॉल रिकॉर्डिंग्स को किसी को शेयर भी कर सकते हो। और गाइज आपको उसके साथ डिलीट बटन भी दिया जाता है, आप उसको वहीं से कॉल रिकॉर्डिंग्स को डिलीट भी कर सकते हैं। और अगर आपने कभी इस गलती से इस नंबर को डिलीट कर दिया, जितनी भी कॉल रिकॉर्डिंग्स आपने करी है ध्यान देना वो भी डिलीट हो जाएगी, तो आप इसको शेयर करके किसी और फ़ोन में कर लीजिए, इसके बाद आप इसको प्रॉपरली डिलीट कर सकते हैं। आई थिंक आप समझोगे कैसे करना है रियलमी 7 डिवाइस के अंदर कॉल रिकॉर्डिंग फाइल को शो। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो इसके रिकॉर्डिंग तो नीचे कॉमेंट सेक्शन है, आप हमें कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।